दोस्तों, हम सब झारखंड राज्य के गढ़वा जिला के निवासी हैं। हम लोग कर्नाटक राज्य के यहाँ दक्षिणी कनाडा डिस्ट्रिक्ट में मधवा गांव है, यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए थे। दोस्तों, करीब 21 तारीख से ही लगभग हम लोगों को काम वम बंद हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। और आप सब जैसे जान रहे होंगे कि बहुत बड़ा लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग को खाने पीने का भी यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कितना गुहार लगाएं, यहाँ से बहुत दूर ठेकेदार का घर पड़ता है, वो भी नहीं आ रहा है। यहाँ से कोई भी कुछ नहीं, हम लोगों का रूम यही है। देखिए, हम लोग रूम में खाली पड़े हैं, ऐसे ही बैठे हैं, कुछ खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। अब हम लोगों बहुत रिक्वेस्ट किए, हमारे गढ़वा विधायक माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से भी बात हुआ था हम लोगों को, वो उन्होंने बोला था कि ठीक है, कुछ सहारा देंगे, आप लोग एक लिखित आवेदन लिख के परमिशन। तो हम लोग कहाँ परमिशन लेने जाए, आप ही बताइए। हम लोग पूरी तरीक़ा से फंसे हुए हैं। हम लोगों को बस किसी भी तरह से माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, गढ़वा विधायक मिथिलेश ठाकुर जी से मेरा आग्रह रहेगा कि किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से छुड़ाने का प्रयास करें। हम लोग घर आना चाहते हैं, अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे बुरी तरीक़ा से फंस गए हैं। कोरोना लगता है कोरोना से पहले ही हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। हम लोग दो तीन बार, कितना बार, ये हम लोग का तीसरा वीडियो जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों के साथ कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल हो, जहाँ भी हो, तलाश टीवी, गीतांश टीवी, जहाँ पे इसको डालना है आप लोग डालिए, और हम लोग के कैसे भी करके सहयोग कीजिए हम लोग, ताकि अपने घर सुरक्षित वापस आ सकें। हम लोगों को कोई अभी तक कोई सूचना कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा भी ख़त्म हो गया है, इसलिए लास्ट तीसरा वीडियो भेज रहा हूँ ये। ठीक है, आप लोग को कुछ कहना है?